हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। मेरा नाम आकाश और आज हम लोग बात करेंगे कैडिला हेल्थ केयर के बारे में। कैडिला हेल्थ केयर के बारे में सारा पॉइंट जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा पॉइंट जो है क्लियर हो जाए और आप कहीं पे भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। तो चलिए चलते हैं कैडिला हेल्थ केयर के चार्ट पे। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कैडिला हेल्थ केयर के फंडामेंटल साइट पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है हम लोग क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे चार्ट पे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कैडिला हेल्थ करके जो पी है, प्राइस अर्निंग रेशियो, वो चल रहा है 48.40। ठीक है, थोड़ा सा हाई है। और सेक्टर पी जो चल रहा है वो चल रहा है 45.69। ठीक है, ये पॉइंट जो चल रहा है आप बता सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव है कि लो है। मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और आप अपना जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और ये एक ईयर का जो रिटर्न दिया है वो 66.94% है और एक मंथ का जो रिटर्न है वो 30.76% जो है ये कंपनी रिटर्न दे चुकी है। रिटर्न देने में ये बहुत थोड़ा सा फास्ट है और जो है फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो जो रिटर्न है वो बहुत ही वैल्यूबल है। मार्केट कैप जो है वो 56.945 करोड़ है। इसका जो है ये एक लार्ज कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.63% है इसका डिविडेंड यील्ड। और ये जिसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों, ये 52 वीक के हाई पे चल रहा है, 52 वीक हाई पे चल रहा है। और इसका जो लो था वो था 318 रुपया, 52 वीक का लो, 52 वीक का जो लो था वो 318 जो था उसका प्राइस उस टाइम था, ये 52 वीक के लो पे। अभी जो चल रहा है 568.90, ये 52 वीक का हाई पे चल रहा है दोस्तों। और इसका जो प्राइस है वो 566 के अराउंड कुछ है जो है, ये 52 वीक का जो हाई पे चल रहा है दोस्तों। चलिए चलते हैं इसका चार्ट पे। तो लीजिए, हम लोग आ गए हैं कैडिला हेल्थ केयर के चार्ट पे। और आप देख पा रहे हैं कैडिला हेल्थ केयर जो है वो शार्प बाइंग पे ऊपर जा रहा है बहुत दिनों से। ये डे का चार्ट लगा हुआ दोस्तों, और थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देख पा रहे हैं ये डे का जो चार्ट है, ये शार्प बाइंग ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इसे देख के थोड़ा सा भी आप अगर यहाँ बाई किए होगे, यहाँ बाई किए होगे तो आप अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स है जिसे मैं क्लियर करूँगा। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो है हर पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों हम लोग एनालाइज करेंगे ताकि हम लोग जो है कहीं पर भी कन्फ्यूज़न में ना रहें। ये एडुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको जो है हर स्टॉक का जो जानकारी रहे वो कौन कहाँ पर और किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इसको, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा। अगर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। इसका जो यहाँ पे हाई था उस टाइम ये फर्स्ट टाइम इस जगह पे आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा सा रिट्रेस करे। आप अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको जो है हर स्टॉक के बारे में जानकारी रहे। तो हम लोग इसका वीकली चार्ट पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग इसका कुछ पॉइंट जो है नोट करेंगे। आप वीकली चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो 52 वीक का हाई था पहला, उस जगह पे ये वहाँ से ये रिट्रेस करके फिर फर्स्ट टाइम इस जगह पे जा रहा है दोस्तों। हो सकता है कि प्राइस, मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि जो है हम लोग मिल के जो है लर्निंग को स्टार्ट रख पाए। तो हम लोग मंथली चार्ट में भी देख लेंगे थोड़ा सा। अब मंथली चार्ट में भी क्लियर देख सकते हैं, जो ये जो 52 वीक का हाई था उस जगह पे ये फर्स्ट टाइम जा रहा है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बना पाऊँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।